उमेश पाल किडनैपिंग केस में माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को प्रयागराज कोर्ट ने दोषी पाया है। और इस केस में यहां पर बड़ी बात यह है कि प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में जब पेशी हुई तो उन्होंने साफ तौर पर अतीक अहमद को दोषी पाया और जल्द ही सजा का ऐलान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है और उन्हें बरी करने के बाद अब 17 साल बाद उनके परिवार को यहां पर इंसाफ मिला है। किडनैपिंग केस में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी, उमेश पाल की मां शांति देवी ने उससे पहले कहा कि मेरे बेटे का पहले इसने अपहरण किया, उसके बाद उसने इसका बेरहमी से मर्डर कर दिया। वो लड़ रहा था, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है तो उसे फांसी होनी चाहिए। इसने जेल से रहते हुए मर्डर किया है, ये अगर जेल में रहेगा तो मेरे परिवार को भी मरवाएगा, इसलिए उसे अब फांसी दे ही दी जाए। जिस उमेश पाल को 35 दिन पहले अतीक गैंग ने सरेआम गोलियों और बमों से भून डाला था, उसी उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में आज इंसाफ हुआ। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत सभी आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाने का एक निर्णय लिया, लेकिन यहां पर अशरफ को छोड़ दिया गया। हालांकि अतीक अहमद की पत्नी पूजा पाल भी समाजवादी पार्टी से अब विधायक है। पूजा पाल का कहना है कि न्याय जरूर मिला, लेकिन अतीक का भाई अशरफ भी अभी फिलहाल बरी कर दिया गया है, जो कि उनके परिवार के लिए सही नहीं है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।